हमने नववर्ष पर आपके साथ मार्गदर्शन साझा किया, जिसमें हमने बात की कि इस आगामी वर्ष को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अब तक जैसा जीवन रहा उससे विशेष आगामी जीवन कैसे हो सकता है, संकल्पों पर कैसे दृढ़ रहना है। हमारे अनेक बंधुओं ने उस मार्गदर्शन पर कमेंट के माध्यम से अपने भाव रखे, संकल्प किए, और अधिकांश संकल्प ये थे कि हम ब्रह्मचर्य से ही अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, क्योंकि यहीं हमारी ऊर्जा, समय नष्ट होता है, एक बड़ा हिस्सा हमारे समय का और ऊर्जा का, तो यहीं से सुधार करना जरूरी होगा। लेकिन कुछ ही समय बीतता है और हमें ऐसे कमेंट, ऐसे संदेश प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं कि हम उस संकल्प पर दृढ़ नहीं रह सके। हमारा बार बार संकल्प क्यों टूट जाता है, क्यों हम अपनी वासनाओं के सामने हार जाते हैं, और एक और बड़ा प्रश्न जो सामने आ रहा है कि क्यों ब्रह्मचर्य हमारे लिए एक भार बन जाता है, क्यों जहां पर ब्रह्मचर्य आनंद के लिए बताया गया है, क्यों उससे हमारे मन पर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। ये वास्तव में एक बड़ा प्रश्न है। इसको भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या वो तरीका है जो अंतिम तरीका हो सकता है। इसको समझ लिया तो फिर किसी अन्य उपाय की या कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं। ये सभी विषय हम समझेंगे और शुरुआत हम यहां से करते हैं कि स्वयं भगवान इस विषय में क्या कहते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता में कि सकनोति हव य सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। सकनोति हव य सोढ़ुम, यानी कि इस शरीर में रहते हुए ही। यहां पर भगवान इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि किसी भी और जीव के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वो अपने विवेक का प्रयोग करके इस काम से ऊपर उठ सकता है। केवल मनुष्य ही अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता है। पशु को तो जैसा वेग आएगा, काम का वेग आएगा, तो ये भी नहीं देखेगा वो किस स्थान पर है, वो उस क्रिया में संलग्न हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के पास विवेक है। तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर को छोड़ने से पहले क्या करना है, इस काम को नियंत्रित कर लेना है। और क्योंकि शरीर कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, आपको नहीं पता है कि कब आपका जो श्वास है वो अंतिम श्वास हो सकता है। तो भगवान ये संकेत करते हैं कि आप ये ना समझें कि आपके पास बहुत समय है, अभी जो मर्जी आप कर लें। नहीं, पता ही नहीं है कि कितना समय है। तो जो समय अभी चल रहा है इसका पूर्ण सार्थक प्रयोग करके काम और क्रोध से ऊपर उठो, ये भगवान कहते हैं। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त, जिसने काम और क्रोध के ऊपर नियंत्रण पा लिया वो क्या हो जाता है, स युक्त, वो ही योगी है। और अंत में जो एक महत्वपूर्ण बात कही, स सुखी नर, और वो ही सुखी व्यक्ति भी हो सकता है। यानी कि जो काम में फंसा हुआ है वो कभी भी सुख का अनुभव कर नहीं सकता जीवन में। कुछ क्षणिक उसे जो स्फुरण होता है शरीर में उसे वो सुख समझे बैठा है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के अपने अपने अनुभव हैं और सभी के अनुभव ये कहते हैं कि काम ने उन्हें बहुत परेशान किया, त्रस्त किया, पथभ्रष्ट किया, उनके समय और ऊर्जा का नाश करके उनके सफलता के जो स्तर है उसको भी वहां तक वो नहीं ले जा सके। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस काम पर काबू कर लेगा वो सुखी हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का संकल्प किया भी लेकिन मन में वो आनंद, वो सुख की अनुभूति क्यों नहीं है। इसको इस दृष्टांत से आप समझें। एक बार एक गांव में एक पंडित रहते, विद्वान थे, सभी गांव वाले उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक वैश्यालय था और वहां पर नृत्य आदि हुआ करता था। उन पंडित का जो मन था वो आशक्त हो जाता है, जो वहां पर नृत्य की थी, जो नृत्य करती थी उस वैश्यालय में, उसके प्रति वो आशक्त हो जाते हैं और उसे देखना चाहते हैं, उसके नृत्य को देखना चाहते हैं। इतने अधिक विवश हो जाते हैं, आशक्त हो जाते हैं कि एक दिन सोचते हैं कि मुझे किसी प्रकार से यतन करके चेहरे को ढक के उस वैश्यालय में जाना ही होगा और मैं उससे मिलूंगा जिसके प्रति मैं आशक्त हूं। वो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तब वो किसी प्रकार से ढक के अपने चेहरे को और वहां जाने का प्रयास करते हैं, जा ही रहे होते हैं और उस गली में मुड़ते ही हैं जहां पर वो वैश्यालय था कि सामने से व्यक्ति आ जाते हैं कुछ, और उन्हें देख करके उन्हें वेशभूषा से, क्योंकि चेहरा तो ढका हुआ है लेकिन वेशभूषा से अंदाजा हो जाता है कि ये तो पंडित जी है। वो एकदम उन्हें रोकते हैं कि अरे पंडित जी,
आप यहां से क्यों जा रहे हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि पंडित जी वैशाल्य में जा रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि पंडित जी को इस मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्ग से भी जाते हैं तो वहां से निकलेंगे, वहां पे कैसे लोग होंगे, ठीक नहीं है इनके लिए। तो वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको अलग रास्ते से ले जाते हैं, ये रास्ता आपके योग्य नहीं है। जब वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उन व्यक्तियों की अपने लिए देखते हैं और जो सम्मान उनकी आंखों में देखते हैं, देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं तो ये बड़ा गलत कर रहा था, अगर मैं वहां पर जाते हुए या वहां पर मुझे कोई मिल जाता तो बड़ी समस्या हो जाती, मेरी प्रतिष्ठा का नाश हो जाता, लोगों की आस्था पर एक प्रहार होता, ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाने वाला था। इतना होने के बाद वो व्यक्ति पंडित जी को ले जाते हैं और उन्हें दूसरे मार्ग से आगे पहुंचा देते हैं जहां वो बताते हैं। तो इससे मन में पंडित के एक भाव आ जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो उसके मन में ये भाव आया है, इस भाव का कारण क्या है? इस भाव का कारण है डर। वो डर से प्रेरित हो गए कि अगर मुझे किसी ने वहां पर देख लिया तो प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा, ये डर उनके मन में बैठ गया। ये बिल्कुल सत्य है कि वो उसके बाद फिर वहां नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और ये बात ये है कि वो भय के कारण वहां पर नहीं जाएंगे, ना कि अपने संयम के कारण। तो बाहरी जो देह रूप में अगर कहें तो लगेगा कि पंडित जी संयमित हैं, बड़े ही नियंत्रण है उनके मन पे, लेकिन मन की अवस्था का उन्हें ही पता है। और जो ये मन में उनके उद्वेग है, मन में ये चंचलता है, मन में ये प्रेरणा है वहां पर जाने की, वो सब करने की, तो ये प्रेरणा उन्हें भ्रष्ट करके रखेगी, उनके जीवन में सुख नहीं होगा। यहां पर एक बड़ी प्रेरणा हमारे सभी नवयुवकों के लिए है, और प्रेरणा ये है कि अगर आपके ब्रह्मचर्य का आधार डर है कि अब तक आपके शरीर की हानि हो गई, अब तक आप ऐसे दिखने शुरू हो गए, आपके बालों पर कोई कहता है, हमारे चेहरे पर कोई कहता है, हमारे शरीर पर कोई कहता है कि हमारी यौन क्षमताएं ही नष्ट होती जा रही हैं, ये जब डर से प्रेरित होकर के जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं, तो समझें कि भय आपकी क्रिया को तो रोक रहा है, लेकिन मन के वेगों को नहीं रोक रहा है, मन के स्फुरण को नहीं रोक रहा है, मन की प्रेरणा को नहीं रोक रहा है। मन तो मलिन है ही, और क्योंकि मन का ही प्रभाव है सारा, क्योंकि बाहरी क्रिया ना भी हो अलग अलग प्रकार से हो जाएगी, फिर स्वप्न दोष जैसी समस्याएं जो है, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं जो है, वो पीछा नहीं छोड़ती हैं हमारे नवयुवक का, क्योंकि वो ऊर्जा का अधोगमन तो हो ही रहा है, और वो हो रहा है उनके गलत चिंतन के कारण। तो ब्रह्मचर्य कैसे हो? ब्रह्मचर्य समझ से हो, ब्रह्मचर्य विवेक से हो, ब्रह्मचर्य ज्ञान से हो, ना कि डर से हो। जब तक ब्रह्मचर्य का कारण आपके आपका डर बना रहेगा, तब तक समझो आप ब्रह्मचर्य में स्थित हैं ही नहीं। फिर भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सा सुखी नरा, जो काम क्रोध से मुक्त है वही सुखी हो सकता है, लेकिन काम से मुक्त कैसे होना है इस पर ध्यान देना होगा। वो भय से नहीं होना, वो सहज निवृत्ति होनी है, सहज रूप से वो छूट गई सारी क्रियाएं, वो आपको बेकार की चीजें लगने लगी, आपके स्तर से नीचे की चीजें लगने लगी, तो आप समझें कि अब आप मुक्त हो रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अब ये समझ लें कि जो आपके मन में ये विचार आते हैं, जो क्रिया होती है, जो व्यक्ति भ्रष्ट होता है, इसके कारण क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसके चार चरण हैं। सबसे पहले होता है एक स्फुरण, एक मन में छोटी झलक आती है पूर्व की क्रियाओं की, कि व्यक्ति ने वो अनुभव किया, वो क्रिया की, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ देह रूप में की या फिर वो उसने स्वतः जो भी स्थिति रही, सबसे पहले उसका स्फुरण होता है। उसके बाद मन में एक संकल्प होता है कि मैं ऐसा करूं, मुझे फिर से वो सुख चाहिए, इस प्रकार का एक संकल्प मन में होता है। तीसरे स्थान पर आयोजन होता है, किसी प्रकार का आयोजन तो करना पड़ेगा, या तो आयोजन वो स्वतः ऐसी व्यवस्था देखेगा, छुपेगा या जो भी कुछ करेगा, या फिर वो किसी व्यक्ति को ढूंढेगा जिससे कि वो अपनी काम की संतुष्टि कर सके। ये एक हुई आयोजन की बात, और उसके बाद होती है क्रिया। ये चार चरणों में ये स्थिति जो है वो बनती है, वो पूरी होती है। यहां पर आप पूरी पक्की तरीके से समझ लें कि जो व्यक्ति बड़ा सिद्ध नहीं है, बड़ा संयमी नहीं है, उसका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, वो इस स्फुरण के बाद की जो क्रियाएं हैं वहां पर अपने आप को नहीं रोक सकता।
जो स्फुरण हुआ मन में एक छोटी झलक आई, उसके बाद अगर आपने उससे रस लेना शुरू कर दिया, उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया, तो समझ ले आप कि अब आप नहीं बच सकते। एक सामान्य व्यक्ति केवल यहीं पर अपने आप को नियंत्रित कर सकता है जो पहली स्थिति है कि मन में एक झलक आई, मन में थोड़ा सा एक विचार आया, बस वहीं पर आपको अंकुश लगा देना है। अंकुश कैसे लगाना है इसको समझ लें। अंकुश कौन लगा सकेगा? दो तरीके के ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। पहले होते हैं जो हमने कहा डर के कारण, दूसरे होते हैं संयम के कारण। संयम क्यों आया? जब व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा, जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा, जब व्यक्ति ने उस सात्विक जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया, जब व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं एक साधक हूं, मैं उस अपने परमेश्वर के चरणों का दास हूं, और उनकी दासता के लिए भी एक योग्यता चाहिए, हर व्यक्ति दास नहीं होगा, और अगर मैं इस मार्ग पर चलता हूं तो ठीक, अगर भ्रष्ट होता हूं तो मैं इस दासता के पद से निष्कासित हो जाऊंगा, हट जाऊंगा, उसके मन में ये भाव होंगे, सबसे पहली बात। दूसरा होगा अपने शरीर का, पहला होगा अपने इष्ट के प्रति जो उसके भाव हैं, जो मन लगाया हुआ है अध्यात्म में उसने, उसका भाव, साथ ही साथ भाव हो सकता है उसके जीवन में प्रगति का, उसके कार्यों में सक्रियता का। तो ये तीन प्रकार के भाव हो सकते हैं, लेकिन जो केवल शरीर के तल पर देख रहा है, डर से जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो समझो आप भौतिक तल पर ही ब्रह्मचर्य को देख रहा है, शरीर से ही जोड़ रहा है। जो शरीर से ऊपर उठने का विषय है उसे भी शरीर से जोड़ के देख रहा है, तो अगर वो ब्रह्मचर्य का नाश करता भी है तो भी उसे लगेगा कि कोई बात नहीं, फिर से मैं कुछ और अच्छी डाइट ले लूंगा, फिर से मैं थोड़ा और संयम कर लूंगा, शरीर तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जो इसको और गहरे तलों पर समझता है वो समझेगा कि केवल शरीर का ही नुकसान नहीं हुआ है, मेरी ऊर्जा भी गई है, मेरे कार्यों में जो मैं सक्रियता से अच्छे तरीके से कार्य कर सकता हूं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और मेरी आध्यात्मिक प्रगति पर भी प्रभाव पड़ता है, मेरे विचारों की सात्विकता नष्ट होती है इससे। जो इस गहराई से ब्रह्मचर्य को समझ रहा है, समझो वो मन से अंगीकार कर रहा है चीजों को, और मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तल पर सोच करके, इतना बोध रख के इस मार्ग पर बढ़ रहा है, तो अच्छे बदलाव जरूर होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम सिद्ध हो जाएंगे आप, लेकिन एक संयम होगा जीवन में, आप उतने स्तर पर भ्रष्ट नहीं रहेंगे, और इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखते हैं तो ये 100% आपको उस मार्ग पर ले जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इससे लाभ ना हो। अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ नहीं, तो इससे आगे कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। इससे आगे आप समझें कि आपको इसी पर विषय पर कार्य करना है, कोई दूसरा मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप को इन चीजों से जोड़ के, भक्ति से अपने जीवन में एक लक्ष्य रख के, और ब्रह्मचर्य को गहन तलों पर समझ के, अनुभव करके, उस जीवन का सुख को, शांति को अनुभव करके, तब आप चलेंगे तो आपको जो आपके जीवन की ये बाधाएं और ये छोटे सुख हैं, ये बहुत निम्न स्तर के लगेंगे, आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे। ये विषय हमने प्रयास किया कि आपको गहराई से समझ में आए, और अगर नहीं आया है तो पुनः एक बार समझ लें, पुनः एक बार देख लें, और देखने के बाद रुक ना जाएं। देखने के बाद बंद करके, इस फोन को बंद करके, जब भी आपने इसको देखा, थोड़ी देर बैठें और मूल्यांकन करें कि अब तक मैंने कैसे समझा, कैसे देखा, और भविष्य में मैं कैसे इसको समझने, देखने और जीवन में धारण करने वाला हूं। हमारी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, भगवान आपको सुमार्गगामी बनाएं, आपके जीवन में स्पष्टता हो, आप संयम से, नियम से, नीति से, धर्मयुक्त तरीके से आगे बढ़ें। चाहे गृहस्थ में कोई व्यक्ति है, चाहे ब्रह्मचर्य जीवन में है, जैसे भी है, वो एक संयम जीवन में धारण करे और प्रभु के मार्ग पर विधिवत आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। योग से जुड़ें, सनातन हठ योग हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन हम साझा करते हैं, देखें और उन चीजों को भी जीवन में लाने की कोशिश करें। अपनी पद्धतियों से, अपने जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उससे जुड़ेंगे तो आपको बड़े लाभ जीवन में होंगे, हर पक्ष में जीवन के। तो आज के लिए आपके लिए यही हमारा मार्गदर्शन था, भविष्य में आपके प्रश्नों के आधार पर मार्गदर्शन होते रहेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।